वेलकम टू फूड विथ राखी चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए दही बड़े की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि टेस्टी के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और इंस्टेंट बनने वाला दही भल्ला की रेसिपी है। आप इसे झटपट से बना के तैयार कर सकते हो। तो देख लेते हैं इसकी रेसिपी कैसे बनती है। इसे बनाने के लिए हमने एक उबले हुए आलू को ग्रेट करके रख लिया है। आप चाहे तो मैश भी कर सकते हो। साथ ही डाला है इसमें एक चम्मच चॉप किया हुआ प्याज, नमक, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला पाउडर। इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। स्टफिंग अब बन के तैयार है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। यहाँ पे हमने ब्रेड स्लाइस ले लिया है दही वड़ा बनाने के लिए। तो ब्रेड स्लाइस को पहले हम कट कर लेंगे। तो इसके लिए हमने ग्लास से इसको कट किया है। सारे ब्रेड स्लाइस को इसी तरीके से आपको कट कर लेना है। यहाँ पे हमने सारे ब्रेड स्लाइस को कट कर लिया है। इसमें डालने के लिए हमने लिया है दही। दही में डालेंगे एक चम्मच चीनी। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। दही बड़ा में डालने के लिए हमें पतला दही चाहिए, जिसके लिए या तो आप इसमें हल्का सा पानी डाल दें, नहीं तो अगर खट्टा दही है तो आप उसमें दूध भी ऐड कर सकते हो। और इसको इस तरीके का पतला दही तैयार कर लेना है। तो ये मीठी दही बनके तैयार है। अब हम इसे स्टफिंग को डालेंगे ब्रेड स्लाइस पे। तो जिसके लिए हमने ब्रेड स्लाइस के ऊपर से आलू वाला स्टफिंग डाला है, और इसको हाथों से इस तरीके से दबा के इसको हम तैयार कर लेंगे। इसके ऊपर से डालेंगे दूसरा ब्रेड स्लाइस। इसको इस तरीके से आपको बना के तैयार कर लेना है। फिर हम क्या करेंगे, इसको हथेली पे डाल के इसको चारों तरफ से घुमाते हुए इसको हम दही बड़ा का शेप देंगे। आपको इसी तरीके से सारे दही बड़े को बना के तैयार कर लेना है ब्रेड वाला। तो हमने ब्रेड वाला दही बड़ा बना के तैयार कर लिया है। इस ब्रेड के दही बड़े को बनाने के लिए गैस जलाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप पहले से आलू उबाल के रख ले, और जब मन हो तो आप इसे बना के खा सकते हो। तो यहाँ पे हमने ऊपर से डाला है मीठी दही, साथ ही डाला है नमक। नमक डालने के बाद डाला है काला नमक, भुना जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। ऊपर से डालेंगे मीठी इमली की चटनी। इमली की चटनी के साथ ही डाला है हरे धनिया की चटनी। ऊपर से नायलोन सेब से गार्निश कर देंगे। ब्रेड के दही बड़े बनके तैयार है खाने के लिए। आप लोग भी इस ब्रेड के दही बड़े को ज़रूर नाश्ते में बना के ट्राई करें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। अगर आप लोगों को ये ब्रेड के दही बड़े पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।